अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इस सेशन में हम फॉर सर्विस मॉडल को एक रियल लाइफ एग्जांपल के ज़रिए से डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे अनफॉर्चुनेटली फॉर सर्विस मॉडल जो है वो ज़्यादातर उसकी एग्जांपल्स हमें डेवलप्ड इंडस्ट्रियली एडवांस्ड रिच कंट्री से मिलती हैं मैंने कोशिश की ढूंढने की uh, कोई अच्छी एग्ज़ाम्पल जो सक्सेसफुल भी हो लेकिन मुझे हमारे रीजन से या अपने मुल्क से कोई इस तरह की एग्ज़ाम्पल ना मिली मैं जो केस स्टडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आप उससे फेमिलियर हैं हमने पीछे किसी मॉड्यूल में इसका जिक्र भी किया था सिलिकॉन वैले में बैनेटिक एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सोशल एंटरप्राइज है बेनेटिक के जिस सोशल इनिशिएटिव का जिक्र करेंगे वो है बुक शेयर डॉट ऑर्ग क्या आपको पता है कि इस दुनिया की टोटल किताबों का पाँच फीसद से भी कम किताबें जो विजुअल या रीडिंग एम्पेयरमेंट के साथ लोग हैं उनको पढ़ने के लिए एक्सेसिबल हैं यानी वो किसी ऐसी फॉर्म में हैं कि ऐसे लोग इस्तेमाल कर सकें जिनकी रीडिंग की इम्पेयरमेंट है उसमें विजुअल इम्पेयरड भी शामिल हैं जिनकी ब्लाइंडनेस या कोई और विजन रिलेटेड इम्पेयरमेंट है या डिसेबिलिटी है उसमें डिसलेक्सिया या रीडिंग के हवाले से जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो लोग भी शामिल हैं बनेटेक चूंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो उन्होंने इस किस्म के प्रोग्राम्स जो हैं बहुत सारे बनाए जिनके ज़रिए से इन बुक्स को ऐसे लोगों के लिए काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके एक्सेसिबल बनाया जा सके बुक शेयर डॉट के नाम से जो इनिशिएटिव है उसके ज़रिए से बैनेटेक ने ख़ तौर पर चूँकि ये यू एस बेस्ड ऑर्गनाइजेशन है तो उन्होंने वहाँ के जो पेटेंट और कॉपी राइट्स के लॉज हैं उसमें एक स्पेशल अमेंडमेंट कराई जिसके ज़रिए से जो नई किताब छपती है उसका एक ख़ास अमाउंट जो है एक ख़ास नंबर ऑफ़ बुक्स जो है एक ख़ास एडिशन जो है उसको सॉफ्टवेयर के ज़रिए से या तो ब्रेल की फॉर्म में या टॉकिंग बुक की फॉर्म में यानी रिकॉर्ड करके आडियो के तौर पर उसको सॉफ्टवेयर पे वो डाल देते हैं उनके जो मेंबर्स हैं वो उन बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं अपनी ज़रूरत और अपने प्रेफरेंस के मुताबिक जैसे जिनकी विजुअल एम्पेयमेंट है वो ब्रेल में उस बुक को पढ़ सकते हैं और जिनकी डिसलेक्सिया या कोई और रीडिंग एम्पेयमेंट है वो उसको टॉकिंग बुक की फॉर्म में एक्सेस कर सकते हैं फी फॉर सर्विस मॉडल अडॉप्ट किया गया है इसको करने के लिए यूएस और इंडस्ट्रियली एडवांस्ड कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे बुक शेयर डॉट ऑक की किताबें अवेल करने के लिए 50 यूएस डॉलर्स की एनुअल फ़ी है वो लोग इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स जो इन किताबों को एक्सेस करना चाहते हैं वो साल में एक दफ़ा 50 डॉलर फ़ीस पे करते हैं मिडिल इनकम कंट्रीज़ से जो लोग हैं उनके लिए थर्टी डॉलर्स की फ़ी है और लोअर मिडिल इनकम या लोअर इनकम कंट्रीज़ या जिन्हें हम डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं वहाँ पर जो उनके क्लाइंट्स हैं उनके लिए यह सर्विस फ्री है इसी तरह बुक ने एक और इनिशिएटिव लिया जिसमें ग्रुप्स को या ऑर्गेनाइजेशंस को जैसे कि स्कूल्स हैं कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको मेंबरशिप दी है उनको सब्सक्रिप्शन दी है कि वो एक खास अमाउंट जो है वो पे करके एक खास नंबर ऑफ़ बुक्स एक खास मुद्दत के लिए एक्सेस कर सकते हैं और फिर आगे वो जितने चाहे स्टूडेंट्स या यूजर्स को उस किताब को फ्राहम कर सकते हैं उस खास पीरियड के अंदर बुक शेयर डॉट और को फीस की मद में जो फी फॉर सर्विस है उसकी मद में जो अमाउंट हासिल होती है उससे वो अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस और चूंकि वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड टे फॉम के अंदर एक एंटरप्राइज है तो जो वो कन्वर्ट करने के लिए बुक्स को टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है उसकी मेंटेनेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट को कवर करने के लिए वो फीस की जो रकम है या उससे जो रेवेन्यूज हासिल होते हैं वो वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं ये बुक्स जो हैं ये कोई पुरानी बुक्स नहीं होती बल्कि जैसे ही यू में कोई किताब छपती है और आपको इल्म होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा किताबें इस वक्त यू में छप रही हैं और कॉपीराइट सबसे ज़्यादा यूएस में लोगों के पास होते हैं तो ये एक बहुत बड़ी सोशल सर्विस है जो कि बुक शेयर डॉट ऑग ने बैनेटेक के प्लेटफॉर्म से डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमारे जैसे मुल्कों में इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फ्राहम की है ख़ास तौर पर जो सरप्लस की मद में फी पे किए बग़ैर हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे तमाम मॉडल्स जो हैं वो रिच डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हैं अब आपको समझ आ गया होगा क्योंकि वो जो थोड़ी सी फी है हमारे जैसे मुल्कों में वो देना भी बाजुकात क्लाइंट्स के लिए या टारगेट पॉपुलेशन के लिए मुमकिन नहीं होता जबकि हाई इनकम कंट्रीज़ में लोग ये थोड़ी सी अमाउंट जो है वो खुद से नहीं तो कम अज़ कम किसी थर्ड पार्टी जैसे इंश्योरेंस या किसी ट्रस्ट या किसी और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए से उसको पे कर सकते हैं Thank you.